नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि वॉर्डरोब के बारे में कि कैसी डिजाइन है, किस तरीके से बना हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हो पूरा का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक 8.5 फुट हाइट का बना हुआ है वॉर्डरोब। जैसा ऊपर लॉफ्ट की जगह पूरा का पूरा वॉर्डरोब को कवर कर दिया गया है और बीच में यहाँ हाईलाइट के लिए ब्लैक पेंटेड ग्लास के लिए जगह छोटी करी हुई है और यहाँ पे पूरी की पूरी पट्टियों वाली डिजाइन है। जैसा कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, देख रहे हो आप, यहाँ ऊपर पूरा पूरा लॉफ्ट हो गया बैग्स वगैरह के लिए ऊपर का एरिया, और जो ये जो यहाँ का जो बाजू में जो बना हुआ है ये हैंगर टाइप में है जो कि फीमेल के लिए है, तो ताकि उसमें साड़ी वगैरह कुछ भी यूज हो सके। और ये दो ड्रॉअर जैसा है, छोटे मोटे सामान के लिए रख सकते हैं। इसमें दो लूज शेल्फ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे चाहिए अपने उस हिसाब से, अपने यहाँ क्लाइंट के हिसाब से पार्टी की जैसी डिमांड रहेगी उस प्रकार से है उसको फिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे जैसे उनको हैंगर की जरूरत नहीं है तो ये शेल्फ के हिसाब से दो शेल्फ है जो इजिली यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। अभी बाजू वाले जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है उसकी उसको देखते हैं। यहाँ पे पूरा हैंगर का ऑप्शन है, 39 का स्पेस है और ऊपर पूरा का पूरा लॉफ्ट है जिसमें आराम से उनकी बेड्स वगैरह और कुछ भी सामान हो वो रख सकते हैं जो जो डेली की उनके रूटीन में यूज नहीं होते। जैसे ऊपर के लॉफ्ट बना हुआ है, यहाँ पे कई लोग ऊपर अलग से लॉफ्ट बनाते हैं तो अपने यहाँ नीचे से लेके पूरा पूरा वॉर्डरोब भी कवर कर दिया गया है। और ये बास्केटें हैं तो ये इसमें ग्लास लगेगा ताकि सामने से जो कपड़े वगैरह रहेंगे वो आराम से दिखेंगे। यहाँ पे और ये दो लॉकर है और यहाँ पे ऐसा पूरा पूरा यदि उनको जरूरत नहीं है तो यहाँ पे सेल वगैरह पार्टी के डिमांड के हिसाब से सेट कर दिए जाएंगे। और ये पूरा पूरा स्लाइडिंग भी की स्लाइडिंग वाली चैनल में फिट किया गया है। जैसे स्लाइडिंग को ये देखो ये किया गया है यूरोपा कंपनी की, यहाँ आपको नजदीक में दिखा देते हैं। ये देखो ये यूरोपा कंपनी का फिटिंग किया हुआ है और बाकी पूरा पूरा बंद होने के बाद में तरीके से डिजाइन बन जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।